हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना जोमस रेसिपीज में आपका स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल में आज हम बनाएंगे व्रत या उपवास के लिए फ्रेश नारियल के लड्डू। ये बहुत ही कम समय में और कम सामग्री में बन जाते हैं। तो फ्रेश नारियल के लड्डू के लिए आवश्यक सामग्री 250 ml दूध, 200 ग्राम फ्रेश नारियल कद्दूकस करके, 150 ग्राम चीनी, ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, पिस्ता बारीक कटे हुए, इलायची पाउडर। पैन में हम दूध बॉईल करेंगे। हमें चलाते रहना है दूध उबालने तक। उबालने के बाद भी 2 मिनट तक हमें चलाते रहना है। हमें दूध को चलाते हुए उबालना है, मलाई को नहीं जमने देना है। अब हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी को दूध में अच्छी तरह से पिघलने देंगे। चीनी अच्छे से दूध में मिल गई है। अब उसमें फ्रेश नारियल कद्दूकस किया हुआ डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। फ्रेश नारियल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे नारियल को ड्राई होने तक हम पकाएंगे। इलायची पाउडर डालेंगे। बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए मिक्स कर लेते। आप इसमें मावा या फूड कलर डाल सकते, कंडेंस मिल्क भी डाल सकते। इसे हमें 15 मिनट लगे तकरीबन चलाते हुए ड्राई होने में। ड्राई हो चुका है हमारा मिश्रण, निकाल लेते प्लेट पर। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाएंगे। लड्डू को हमें अच्छे से प्रेस करके बनाना है, इस तरह से। बाकी के लड्डू बना लेंगे इस तरह से। हमारे फ्रेश नारियल के लड्डू तैयार हो चुके हैं। पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। हो गए हमारे फ्रेश नारियल के लड्डू तैयार। आप इसे व्रत के लिए बना सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल के आइकॉन को जरूर दबाइएगा। इससे मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे फेसबुक पेज रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना जोमस रेसिपीज को जरूर भेज दीजिएगा। वहाँ आपको मेरी रेसिपीज की लिखित विधि पढ़ने को मिलेगी। धन्यवाद।